छात्रों के चेहरे पर हंसी है, मुस्कुराहट है, क्योंकि उन्होंने जो मांगे की थी कि जो फी बढ़ाई गई है उसके विरोध में जो उनका आंदोलन चल रहा था पिछले कुछ दिनों से, उसमें उन्हें सफलता प्राप्त हुई है। क्या ये आंदोलन है और क्या यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स ने पूरी उनकी मांगे है वो पूरी की है, इस बारे में बात करते हैं। जी बताइए। तो हम यहाँ पर 11 अक्टूबर से जो है यहाँ पर एक आंदोलन कर रहे थे। हमारी तीन यहाँ पर प्रमुख मांगे थी। सबसे पहली कि ये जो एक आर्बिट्ररी फी इन्होंने बढ़ाई है, आर्बिट्ररी मतलब माने इलॉजिकल, और जो एक पूरा एक एंटी पीपल इन्होंने इंक्रीमेंट लाया है फीस में, हाइक लाई है, उसके खिलाफ एक आंदोलन था, जहाँ पर पिछले बाइट में हमने जिक्र किया था कि कितना रेट, कितने परसेंटेज पॉइंट से इन्होंने फीस बढ़ाई है। तो पहली मांग थी कि वो पूरा फीस इन्होंने रिस्टोर करना चाहिए, वापस लेना चाहिए जो फी हाइक है। दूसरी मांग ऐसी थी कि हॉस्टल में जो गेस्ट सिस्टम है वो शुरू की जाए, और जो भी जो ज़रूरतमंद यहाँ पर विद्यार्थी हैं सभी को हॉस्टल दिया जाए। तीसरी हमारी मांग ऐसी थी कि हमारे कुछ जो यहाँ पर साथी हैं जो काफ़ी बार प्रशासन के साथ जाकर जिन्होंने मीटिंग्स की और बातचीत की हैं, और हमारे साथियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है प्रशासन के द्वारा, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जल्द से जल्द देर शुड बी स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट सच ऑफिशियल्स। सो वी हैड दीज थ्री डिमांड्स बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन यस्टरडे नाइट। मांगे पूरी हो गई। कल रात को एक साढ़े दस बजे एक मीटिंग हुई थी वाइस चांसलर जी के साथ, और जिसमें रजिस्ट्रार मौजूद थे और कुछ अधिकारी मौजूद थे जिनके खिलाफ हमारी जो तीसरी मांग है वो थी, जहाँ पर एक लेखी हमें एक अश्योरेंस दिया गया है कि 15 दिनों में एक हाई पावर कमेटी जिसे कहते हैं HPC एक स्थापन की जाएगी, जिसमें ये जो तीन हमारी मांगे हैं, एक मटेरियल और एक मटेरियल उस पर डिसीजन दिया जाएगा। तीन में से एक मांग के बारे में मैं खास तौर पर यहाँ पे जिक्र करूँगा कि जो गैस सिस्टम की जो हमारा डिमांड था गैस सिस्टम का, और कि सबको जो है यहाँ पर रूम्स अलॉट हों। जो हमारा दूसरा दिन था मंगलवार का, उस दिन 350 एलोकेशंस और रिलीज़ किए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, और फॉर द टाइम बीइंग बिकॉज दे हैव गिवन अस रिटन अश्योरेंस 15 दिनों के अंदर एक हाई पावर कमेटी का की स्थापन एक गठित होगी, जिसमें इस सब चीज़ों पर एक मटेरियल डिसीजन आएगा। इसलिए आपने आपका आंदोलन अभी फिलहाल पीछे लिया, ऐसा कह सकते हैं? यहाँ पर आप यू डोंट प्लीज ट्राई टू पुट वर्ड्स इन माय माउथ, स्थगित किया गया है, पीछे लिया है, कैंसिल नहीं हुआ है, रद्द नहीं हुआ, किया गया है एक शब्द में। मैं कितने छात्र है, कितने कोर्सेस है, कितने स्टूडेंट्स अफेक्ट होने वाले थे? इसमें यूनिवर्सिटी के जो कैंपस है उसमें 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट है वो अफेक्ट थे, और 650 कॉलेजेस एफिलेटेड है तो उसमें तकरीबन 5 लाख के ऊपर छात्र पढ़ते हैं। हाँ, साढ़े आठ लाख के ऊपर बच्चे थे वो अफेक्टेड थे, वो सभी को अभी उसका फायदा हो सकता है, राहत मिलेगी। आप क्या कहेंगे, आंदोलन 3 दिन चला, किसको आप इसका क्रेडिट दोगे? छात्र एक साथ तो खड़े हो ही गए, लेकिन साथ में जो 18 संगठन थे उसके बारे में। इस आंदोलन में 18 संगठन थे पुणे शहर के, और जो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पढ़ते हैं उनका अच्छा सहयोग था, तो इसका श्रेय जो है पूरे स्टूडेंट को और ये ऑर्गेनाइजेशन को जाता है, और ये सभी लोगों की एक एकजुट का ये सफलता है। आपने भी समर्थन दिया है, अलग अलग राजनीतिक दलों ने भी समर्थन दिया है। जी, मैं यहाँ पर वंचित बहुजन अघाड़ी प्रदेश उपाध्यक्ष की तौर पर समर्थन देने आई थी, लेकिन उसके पहले ये आंदोलन बच्चों ने स्थगित किया, और मैं बच्चों को सभी विद्यार्थी को ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत अहमियत वाला मुद्दा उठाया है जो कि बच्चों के हाथ से पढ़ाई खींचने के खिलाफ है, और ये आंदोलन 8 दिन में अगर सक्सेस नहीं हुआ जो उनको वादा किया गया, तो उसके आगे जो आंदोलन होगा उसमें भी हम उसमें सहभागी होंगे, और उम्मीद है कि बच्चों को पढ़ने की पूरी ये मिलेगी, आज़ादी मिलेगी। यहाँ पर आपने सुना कि जो छात्र है उन्होंने वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनाई है, कुछ दिनों के लिए जो आंदोलन उन्होंने छेड़ा था वो स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि उन्हें वादा किया गया है कि जो फी बढ़ाई गई थी वो अब पीछे ली जाएगी, साथ ही में जो बाकी की उनकी मांगे हैं वो भी पूरी करने का आश्वासन यूनिवर्सिटी फैकल्टी मेंबर्स ने दिया हुआ है। कैमरन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे आज तक।